हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्ट्रा फिजिक्स। सो आज की वीडियो में हम लोग मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है उसके टाइप्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके वीडियो चेक कर लीजिए। उस वीडियो में मैंने अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के बारे में बात की है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर वो मल्टीवाइब्रेटर के सर्किट डायग्राम होते हैं जिसमें एक स्टेट जो होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है एंड जो दूसरा स्टेट होता है वो ट्रिगर अप्लाई करने के बाद आता है। ये जो दूसरा स्टेट होता है वो काफ़ी थोड़े टाइम के लिए होता है, जिसको हम लोग टेम्पररी स्टेट बोलते हैं। इसी टेम्पररी स्टेट को हम लोग क्वासी स्टेबल स्टेट बोलते हैं। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स हैज़ वन स्टेबल स्टेट एंड वन क्वासी स्टेबल स्टेट। क्वासी स्टेबल स्टेट का मीनिंग क्या होता है? टेम्पररी स्टेट, राइट? कैसा होता है ये? टेम्पररी स्टेट होता है। इस टेम्पररी स्टेट को अचीव करने के लिए हमें एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है, तो बिना ट्रिगर के राइट ये हम लोग क्वासी स्टेबल स्टेट अचीव ही नहीं कर सकते। ये क्वासी स्टेबल स्टेट अचीव करने के लिए हमें एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये ट्रिगर नहीं अप्लाई करेंगे तो क्वासी स्टेबल स्टेट आएगा ही नहीं, राइट? तो ये क्वासी स्टेबल अचीव करने के लिए हमें एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई करते हैं तो जो सर्किट होता है, जो मल्टीवाइब्रेटर सर्किट होता है राइट, वो जंप करता है क्वासी स्टेबल स्टेट पे, ओके, फ्रॉम स्टेबल स्टेट। तो जो भी स्टेबल स्टेट होगा वो स्टेबल स्टेट इधर ज़ीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है। ज़ीरो होगा तो राइट वन उसके लिए क्वासी स्टेबल होगा, अगर वन स्टेबल स्टेट है तो ज़ीरो उसके लिए क्वासी स्टेबल स्टेट होगा। तो वन स्टेट पर वो थोड़े टाइम के लिए जाएगा, अगर मेरा ज़ीरो स्टेबल स्टेट है तो वन स्टेट पर तो वो थोड़े टाइम के लिए जाएगा एंड कुछ टाइम के बाद वापस से ज़ीरो स्टेट पर आ जाएगा। तो जब तक मैं एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई नहीं करता तब तक राइट इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम लोग राइट वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं। जैसे ही हमने इसको एक पॉजिटिव पल्स दे दिया, इसे एक पॉजिटिव शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर के बेस में इसे एक पल्स शॉर्ट देते हैं जिसके वजह से इसका स्टेट चेंज होता है, इसलिए इसको हम लोग वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं, राइट? तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं एंड इसका वर्किंग क्या होगा आगे वाले स्लाइड में देख लेते हैं। तो ये रहा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक VCC का लाइन है और एक ग्राउंड लाइन है। इस VCC से तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, RL1, R1 और RL2। RL2 के साथ एक R2 रजिस्टर कनेक्टेड है जो कि बेस को गया है इस Q1 ट्रांजिस्टर के, ओके। एंड R1 का जो कनेक्शन है वो Q2 के बेस में गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करंट का जो फ्लो हो सकता है रजिस्टर के थ्रू वो कुछ इस तरीके से हो सकता है एंड दूसरा जो RL2 के थ्रू हो सकता है यहाँ से कुछ इस तरीके से। बट यहाँ पे दो रजिस्टर है ऑफ कोर्स, राइट? तो ज़्यादा रजिस्टेंस होगा क्योंकि ये प्लस VCC से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक ही रजिस्टेंस है। तो आई कैन से दैट देयर इज़ ए मैक्सिमम करंट इन दिस पाथ, ओके। तो यहाँ पे R1 में जो करंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके वजह से जो कंडीशन क्या आएगा, जो Q2 होगा उसके बेस में जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो जैसे कि ये जो पाथ है RL2 और RL1 का, यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे लीस्ट रेजिस्टेंस है। तो आई कैन से दैट R1 में जो होगा वो मैक्सिमम करंट होगा, तो जिसके वजह से Q2 जो ट्रांजिस्टर होगा राइट वो ऑन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो Q2 ऑन हो जाएगा, राइट? तो Q2 क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन हुआ, इन दिस सेंस ये जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो सैचुरेटेड रीजन में चला जाएगा, राइट? कैसे रीजन में चला जाएगा? सैचुरेटेड रीजन में चला जाएगा। जैसे ये सैचुरेटेड रीजन में चला जाएगा तो इसका मतलब इसका कलेक्टर और इमीटर कैसे हो जाएगा, एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो जो भी वोल्टेज यहाँ पर ग्राउंड है राइट, 0 वोल्ट, वो पूरा राइट इसके थ्रू यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, दैट इज़ 0 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो आउटपुट हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, आउटपुट हमेशा हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। तो जो स्टेट होगा राइट वो क्या होगा? 0 होगा, ओके। यहाँ पे जो स्टेट होगा कैसा होगा? 0 वोल्ट होगा। अब ये 0 वोल्ट किससे कनेक्टेड है? R2 के थ्रू कनेक्टेड है एंड इसके बेस में जा रहा है, ओके। तो ये बेस में 0 वोल्ट जा रहा है, इसका मतलब राइट Q1 कैसे कंडीशन में रहेगा? ये कट ऑफ रीजन में रहेगा, राइट? कट ऑफ रीजन में रहेगा। तो इसका मतलब ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा राइट, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा? प्लस VCC। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बना दूंगा मैं, राइट? कुछ इस तरीके से बनेगा, हाँ कुछ इस तरीके से बन गया, राइट? तो Q1 ऑफ है और Q2 ऑन है, तो
तो ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, आपके पास जो आउटपुट है यहाँ पे वो ज़ीरो स्टेट पे रहेगा। Q1 ट्रांजिस्टर का वो प्लस VCC से पूरा वोल्टेज राइट यहाँ पे आ जाएगा प्लस VCC। तो प्लस VCC आएगा तो राइट यहाँ पे क्या होगा, इस कैपेसिटर का क्या होगा, चार्जिंग होगा राइट। सो चार्जिंग कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा राइट। तो कुछ चार्जिंग कुछ इस तरीके से होगा, तो चार्जिंग होने लगता है तो इसके ऊपर पोटेंशियल डेवलप होने लगता है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो चार्ज होता है राइट वो प्लस VCC हो जाता है, एंड राइट साइड में यहाँ से कुछ करंट फ्लो आ रहा है राइट, तो वहाँ पे वोल्टेज कुछ ड्रॉप होगा, वो होगा 0.7 के आसपास। ओके, जिस ये 0.7 जो है वो Q2 ट्रांजिस्टर को ऑन रखने का काम कर रहा है। तो इस स्टेट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जो भी आउटपुट है वो 0 वोल्ट पे ही रहेगा। तो ये जो 0 वोल्ट है राइट, ये कैसा है, चेंज नहीं होने वाला थ्रू आउट दी टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें चार्जिंग देखने को मिल रहा है, C1 का चार्जिंग होगा। तो इस C1 का जो चार्जिंग है कुछ इस तरीके से होगा, तो R11 के थ्रू एंड C1 के थ्रू चार्जिंग होगा राइट। तो ये जो जो 0 वोल्ट है ना वो चेंज नहीं होगा जब तक हम लोग ये एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई नहीं करते राइट। जो यहाँ पे V इनपुट है ना, जब तक राइट इसको हम लोग क्लोज नहीं करते तब तक ये 0 वोल्ट पे ही रहेगा, इस पर कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो जो 0 स्टेट है राइट, इसका यहाँ पे स्टेबल सेट है। तो इस सर्किट का कुछ इस तरीके से कनेक्शन है कि इसका जो स्टेबल सेट है वो 0 है। लेट वापस आ जाते हैं इसी सर्किट डायग्राम पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इसका जो आउटपुट है राइट वो कौन से सेट पे है, 0 सेट पे। जैसे ही मैंने सपोज ये वाला स्विच मैंने क्लोज कर दिया राइट, जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे मैंने हाई पल्स दे दिया, एक हाई पल्स दिया शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे क्लोज करके छोड़ दिया मैंने राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हाई पल्स दिया, जिसके वजह से राइट ये जो बेस में जो वोल्टेज है वो 0.7 के आसपास या फिर उससे ज़्यादा भी पहुँच सकता है, जिसके वजह से Q1 किस स्टेट में चला जाएगा, ऑन स्टेट में चला गया। जैसे ही ऑन स्टेट में चला जाएगा, सैचुरेटेड सिचुएशन में आ गया राइट। कैसे सिचुएशन में आ गया, सैचुरेटेड सिचुएशन में आ गया। मीन्स इसका जो कलेक्टर है वो इमीटर के साथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही कलेक्टर और इमीटर के साथ ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो C1 है राइट, इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो प्लेट है वो 0 वोल्ट पे चला जाएगा। और ये पहले से ही किस पे चार्ज था, ये प्लस VCC से चार्ज था। ओके, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगा। एंड ये जो नेगेटिव चार्ज था राइट, वो किधर चला जाएगा, ये VCC की तरफ चला जाएगा। तो चार्ज डिस्चार्जिंग का पाथ कुछ इस तरीके से होगा। ओके, सो डिस्चार्जिंग कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका जो सिंपल सर्किट डायग्राम बनेगा राइट, कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो ये हो गया मेरा डिस्चार्जिंग पाथ। अब मुझे कुछ बच्चे लोग ने पूछा कि सर जब ये डिस्चार्जिंग होता है तो बेस पे माइनस VCC कैसे अप्लाई होता है राइट। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, R1 जो है वो C1 के थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड है। ओके, एंड बेस इमीटर में राइट, इसका सेकेंड टर्मिनल कैसा है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम राइट, मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, R1 C1 C1 का किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, एंड Q2 का भी राइट ये ग्राउंड से। तो इस बेस को वोल्टेज किससे जा रहा है, इस कैपेसिटर के थ्रू जा रहा है। ओके, सो कैपेसिटर का जो नीचे वाला जो प्लेट था वो कितने पे था, प्लस VCC पे था, और ऊपर वाला प्लेट कितने पे है, 0.7 पे है बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट का पोटेंशियल राइट माइनस ये पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ये पॉइंट का पोटेंशियल। तो निकाल लेंगे 0.7 माइनस VCC राइट, जो कि आएगा राइट, 0.7 को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि VCC काफ़ी ज़्यादा होता, तो मैं इसको राइट माइनस VCC अप्रॉक्सीमेटली बोल सकता हूँ राइट। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली माइनस VCC बोल सकता हूँ। तो इसलिए राइट बेस पे क्या वोल्टेज जाता है, माइनस VCC जाता है। तो ये जो माइनस VCC है राइट, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा तो ऑफकोर्स राइट यहाँ पे पोटेंशियल कितना है राइट, 0.7 इसके थ्रू मेंटेन रहेगा। तो जैसे माइनस ये VCC धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्जिंग कुछ इस तरीके से होगा, एंड वो 0.7 पर पहुँच जाएगा। जैसे ही 0.7 पर पहुँच गया, ये ट्रांजिस्टर Q2 को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। पर अभी यहाँ पे वो पोटेंशियल कितना कनेक्टेड है, माइनस VCC, तो इसको क्या कर देगा, ये ऑफ कर देगा राइट। जैसे ही Q2 ऑफ हो गया राइट, तो ये कौन से स्टेट में चला जाएगा, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। ये कट ऑफ रीजन में जाने की वजह से राइट, इसका जो कलेक्टर होगा राइट वो VCC देगा, ये वाला जो पार्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ पे आ जाएगा, आउटपुट पे आ जाएगा।
तो ये भी जीरो पे था राइट, तो यहाँ पे भी कैसे स्टेट में चला जाएगा, हाई स्टेट पे चला जाएगा। अब ये हाई स्टेट पे कब तक रहेगा वो डिपेंड करता है इस आर वन एंड सी वन का डिस्चार्जिंग टाइम कितना है। तो आर वन एंड सी वन जो है राइट, ये जो टाइम कांस्टेंट है इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ये डिस्चार्जिंग टाइम डिफाइन करते हैं। तो इनका जितना ज़्यादा वैल्यू का उतना ज़्यादा डिस्चार्जिंग टाइम होगा। तो अगर कम वैल्यू का तो वो कम टाइम के लिए वन स्टेट पे रहेगा, अगर वो ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो ज़्यादा टाइम के लिए वन स्टेट पे रहेगा। ओके, तो जो क्वासी स्टेबल स्टेट है, जो टेम्पररी स्टेट है, दैट इज वन, उसका जो विड्थ राइट वो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग टाइम कॉन्स्टेंट के थ्रू। ओके, यहाँ पर यह बात समझ में आ रही है। तो टाइम जो कॉन्स्टेंट जो आर वन सी वन राइट, वो पल्स का विड्थ डिफाइन करता है, और एक से जो क्वासी स्टेट है उसका विड्थ डिफाइन करता है। ओके, तो जो सेकेंड स्टेट आया राइट वो वन पे आया, एंड जैसे ही राइट ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा अगेन राइट, इस क्यू वन क्यू टू के बेस पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, एंड ये वन से कितने चला जाएगा, जीरो स्टेट में चला जाएगा राइट, अपने वापस से स्टेबल स्टेट में आ जाएगा राइट। कुछ इस तरीके से डिस्चार्जिंग जैसे ही हो जाएगा राइट, तो ये जो माइनस वीसीसी है वो किस पे चला जाएगा, 0.7 वोल्ट पे चला जाएगा। तो जैसे राइट ये क्यू टू जो है वो ऑफ कंडीशन में, कट ऑफ कंडीशन से किस में चला जाएगा, ऑन कंडीशन में चला जाएगा। जैसे ही ऑन कंडीशन में चला गया उसका कलेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो वो पहले ज़ीरो स्टेट में था राइट, तो पहले वो ज़ीरो स्टेट में था, मैंने बेस पे राइट वोल्टेज अप्लाई किया तो वो वन स्टेट पे चला गया, एंड वह कुछ टाइम के बाद वापस से ज़ीरो पे आ गया राइट। तो ये क्या स्टेट है, ये स्टेबल स्टेट है। ये कौन सा स्टेट है, ये क्वासी स्टेबल स्टेट है। ओके, क्वासी स्टेबल स्टेट है। सो यहाँ इसका वेव फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने क्या देखो राइट, वी इनपुट में जो मैंने थोड़े टाइम के लिए पल्स पॉजिटिव पल्स विड्थ दे दिया है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो क्यू वन ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा। क्यू वन ट्रांजिस्टर ऑन हुआ है, इन द सेंस कलेक्टर का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा। वही 0 वोल्ट किसको जाएगा, क्यू टू के बेस पे जाएगा, मतलब क्यू टू कैसे चला जाएगा, ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो जैसे क्यू टू ऑफ कंडीशन में, इन द सेंस कलेक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राइट, ये वन स्टेट मतलब हाई वोल्टेज पे है, हाई वोल्टेज इन द सेंस वी सी सी पे कनेक्टेड है। तो वो 0 वोल्ट पे था यहाँ पे, मतलब स्टेबल स्टेट पे था, एंड वो किस पे चला गया, क्वासी स्टेबल वन स्टेट पे चला गया। तो उस वन स्टेबल स्टेट कब तक रहेगा, जब तक ये पूरा का पूरा डिस्चार्जिंग नहीं हो जाता राइट। ये देखो ये डिस्चार्ज हो रहा है, एंड जैसे ही वीसी से चला जाता राइट, वापस किस पे आ जाता है, ग्राउंड पे आ जाता है राइट, स्टेबल स्टेट पे आ जाता है। वापस से वो क्वासी स्टेबल पे जाएगा, क्योंकि वापस से यहाँ पे क्या दिया मैंने, पल्स विड्थ दिया है, पॉजिटिव पल्स दिया है यहाँ पे राइट, कैसे ट्रिगर दिया है मैंने। जैसे मैंने ट्रिगर दिया यहाँ पे, वैसे ही राइट क्या हो जाएगा, माइनस वीसीसी हो जाएगा कैपेसिटर पे, वो डिस्चार्जिंग शो करेगा। डिस्चार्जिंग कब तक होगा, तब तक राइट वो क्वासी स्टेबल पे स्टेट पे होगा। जैसे डिस्चार्जिंग पूरा खत्म हो गया, वापस से क्या आ जाएगा, वो स्टेबल स्टेट पर आ जाएगा। तो किस इस तरीके से इसका वेव फॉर्म बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी 1 किलो ओम से कनेक्टेड है, एंड ये 1 किलो ओम इस ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है, एंड बेस में करंट फ्लो रहा है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन है, जिसके वजह से इसका जो आउटपुट है वो काफ़ी कम है, यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली ग्राउंड है। वोल्टेज कितना है, 24.6 मिली वोल्ट का है, काफ़ी कम है। ओके, अब जैसे मैं इस ट्रांजिस्टर के बेस में और ट्रिगर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव पल्स कुछ शॉर्ट में से, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया, एक पॉजिटिव स्पाइक जा रहा है और कैन से ट्रिगर जा रहा है। तो जब जैसे राइट इसको ट्रिगर देता हूँ मैं, ये जो ट्रांजिस्टर है राइट, ये सेकंड वाला ट्रांजिस्टर है, वो थोड़े टाइम के लिए ऑन हो जाता है। तो आप देखिए कैसे ऑन होता है, जैसे मैंने राइट ये ट्रिगर दिया, ये ऑन हो गया, करंट फ्लो होने लगा, एंड फिर वो वापस से ऑफ हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होके वापस से चार्जिंग प्रोसेस में चला जाता है। तो जिसकी वजह से ये वापस सेकेंड वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। तो इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। देखिए राइट, यहाँ पे मैं थोड़े टाइम के लिए स्पाइक दे रहा हूँ और ट्रिगर दे रहा हूँ मैं, यहाँ से थोड़े टाइम के लिए ट्रिगर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए, जो ब्लू वाला लाइन था वो डिस्चार्जिंग था कैपेसिटर का, एंड जीरो था वो वन पे चला गया, 5 वोल्ट पे चला गया राइट। वापस से मैंने ट्रिगर दिया, वापस से डिस्चार्जिंग हुआ, वापस से राइट वो 0 से 1 पे चला गया। वापस से मैंने ट्रिगर दिया, वापस से वो 1 पे चला गया थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो डिस्चार्जिंग होगा वापस से 0। तो जितनी बार मैं यहाँ पे ट्रिगर दूंगा उतनी बार वो 0 से 1 स्टेट में चला जाएगा, इट मीन्स क्वासी स्टेबल स्टेट में चला जाएगा।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस किए है, इसका नोट्स आपको नीचे लिंक देके रखा है, आप वहाँ से जाइए एंड जो भी कंटेंट चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे।